ये है अंबानी का घर भाई साहब। दिस इज मैरिन ड्राइव। मास्क ना पहनने का नतीजा मतलब फाइनली कैब कर लिया। अब कैब कर लेके हम लोग जा रहे हैं स्कूटी रेंट पे लेने के लिए। अब स्कूटी रेंट पे लेने के लिए हमारे को 6 किलोमीटर दूर जाना है। सो हम लोग कोलाबा में है। कोलाबा से अब हमारे को जाना है नागपाड़ा। फिलहाल तो टैक्सी करके हम लोग नागपाड़ा को आ गए। नागपाड़ा से अब हम लोग स्कूटी रेंट लेने वाले, वो स्कूटी रेंट लेके फिर वहाँ से मैरिन ड्राइव ये वो घूमना है। और शशि को क्या है अपने दादर में, उसको काम है बस। मैं और अब्रार यहाँ से घूमना है। यहाँ नागपाड़ा में ना भाई बड़े बड़े बिल्डिंग है। मेरे सामने से एक बड़ा बिल्डिंग है, पीछे ये देखो एक एक बिल्डिंग 20-20 फ्लोर के बिल्डिंग है भाई। यहाँ पे ये गली में तो बहुत सही है यहाँ पूरा। और आज का वेदर कुछ ऐसा है, बारिश भी गिरने की संभावना है और धूप भी बहुत है। तो चले देखते हैं जब तक स्कूटी मिलती है, उसके बाद में स्कूटी लेके निकलते हैं भाई। लेकिन यहाँ पे तो बिल्डिंग एक एक बिल्डिंग बेहतरीन है भाई। वाह, टाइम हो रहा है 12 और नाश्ता भी कर लिए, नाश्ता नहीं लंच कर लिए समझो यहाँ सामने आनंद होटल में। एंड हमारे को स्कूटी मिल गया, डियो स्कूटी। अब्रार क्या किया, शशि को बस स्टॉप तक ड्रॉप करने गया। अगर ट्रिपल राइडिंग लग गए बोल तो पुलिस वाले पकड़ लेते, तो ज़रा सेफ्टी के लिए अब्रार बस स्टॉप को छोड़ने गया शशि को। शशि वहाँ से दादर को चले जाता एंड मैं और अब्रार पूरा मुंबई मैरिन ड्राइव ये वो थोड़े प्लेसेस है वो ढूंढ ले, वो पूरे देख ले के फिर से शाम में 5 बजे हम लोग को शशिकंज जाना है। फिर बाद में उसके बाद में क्या है, उसके बाद में प्लान क्या है कुछ भी नहीं। दादर वेस्ट में ही एक रूम बुक करे, अब वहीं पे स्टे करने वाले रात में। एंड अब तो फिलहाल सुबह यहाँ वहाँ घूमने का प्लान है। एंड भाई रेंट पे एक स्कूटी बहुत मुश्किल से मिला हमारे को, तो बहुत मेहनत करने के बाद पूरे 5 घंटे के बाद में अब 11 बजे हमारे को स्कूटी मिला। अगर आप लोगों को भी मुंबई आने के बाद रेंट पे स्कूटी होना है तो बस कुछ करना नहीं है, गूगल में जाके स्कूटी रेंट नियर मी है तो ऐसा बाइक रेंट नियर मी मार दो। 4-5 नंबर्स आ जाते फ़ोन नंबर्स, बस उन लोगों को फ़ोन कर लो जो आपके नज़दीक रहता, उन लोगों के जाके गाड़ी ला लो। एंड अब फिलहाल तो मैं नागपाड़ा के रोड पे हूँ। नागपाड़ा के रोड पे भाई अनमोल होटल, एक नंबर पनीर की सब्जी और पराठा सही था भाई। चलो, बहुत लोग यहाँ पर भी अजीब से देख रहे, ब्लॉगिंग कर रहे। तो यहाँ के बिल्डिंग्स देख लो भाई, बहुत ऊंची इमारतें हैं यहाँ पर भी, सही है। शायद अब्रार इसी रोड से आता। आओ नड़छुंडा, ये लो अब्रार आ गया। यही है अपनी आज की सवारी, कल तक है अपने साथ ये गाड़ी। मरन ड्राइव तो अब सबसे पहले हम लोग मरन ड्राइव पे जा रहे हैं, उसके बाद में आगे देखेंगे कहाँ तो जाना है, क्या देखना है। और ये गूगल मैप के भरोसे पे जाते हुए हम मरन ड्राइव को, बस अभी 4 किलोमीटर दूर है मैरिन ड्राइव। एंड यहाँ तो पूरा वातावरण बदल गया भाई, बारिश गिरने की संभावना तो बहुत हो गया, पूरे बादल छा गए। हमारा नसीब भी बहुत ख़राब है भाई, जैसा ही गाड़ी मिल गया वैसे ही बारिश भी शुरू हो गया। बस 2 किलोमीटर दूरी में थे मैरिन ड्राइव से, लेकिन भयंकर बारिश शुरू। अब तो बारिश रुक गया है पूरे आधे घंटे के बाद में, फिर से अपने मैरिन के लिए जर्नी शुरू हो गया है। एंड यहाँ पर भी देखो ऑलमोस्ट पूरे बिल्डिंग कौन से जमाने की है। कि इंडिया आ गए मैरिन ड्राइव को, द
गलती से फ्लाईओवर चढ़ गए, फ्लाईओवर नहीं चढ़ना था। अरे नीचे उतरने नहीं देते शायद मरन रहे थे। सो अपनी गाड़ी को यहाँ पार्क कर दे के यहाँ सामने ही मैरन ड्राइव है। और भाई जहाँ बोले वहाँ पार्किंग मत कर लो अपनी गाड़ी, फाइन मार दे के चले जाते नो पार्किंग बोल के। तो यहाँ मुंबई में तो ट्रैफिक रूल्स तो बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे सब लोग। एंड वो सामने जो दिख रहा है वही है मैरन ड्राइव। कौन सा समुंदर है रे वो? पक्का ना? तो हमारा अपराध तो ब्रे ऑफ बंगाल बोल रहा हूँ, अपने को नहीं मालूम। अगर आप लोगों को मालूम है तो कमेंट कर दो। चलो वाओ, कौन भी नहीं है यहाँ पर। तो मेरे को तो लगा कि यहाँ पर पूरा भर जाते पटे। यहाँ बैठने के लिए हाँ सही है मामा, ये और वहाँ तो बहुत सही है भाई बिल्डिंग वो सब। हवा को पीछे आ जा रहा हूँ मैं तो। एंड यार मैरन ड्राइव में भी एंट्री नहीं है, बस दो मिनट के लिए ठहरने दे, उसके बाद में हकाली दे रहे। पूरा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन कर रहे हैं यहाँ तो, स्ट्रिक्ट बोल के स्ट्रिक्ट हैं लेकिन थोड़ा बहुत तो लॉकडाउन कर रहे हैं। किसको ऐसे टूरिज्म प्लेस में आने नहीं दे रहे। तो वहाँ स्टेडियम के लाइट दिख रहे थे सामने, देख के आएंगे गली गली में से जाके। कुछ काम तो नहीं है, यही करेंगे घूमना। ये देखो ये वेंकटेश स्टेडियम लोकल पोलिम। अगर ये सारे बिल्डिंग के ऊपर चढ़ गए बोल तो मैच आराम से देख सकते हैं शायद ये लोग। तो मैरन ड्राइव से तो निकल के अब सीधा एंटीला को जा रहे हैं, अंबानी के घर को। अंबानी का घर 3.7 किलोमीटर। ये है मुंबई पुलिस, ये है मैरन ड्राइव का बीच। वहाँ से बस पत्थर थे वो साइड थे हम लोग जब, लेकिन अब आगे बीच के तरफ पूरा लॉकडाउन के वजह से पूरा खाली है। मैं तो थोड़े बहुत वीडियोस देखता हूँ तब भर के रहते थे लोग यहाँ पर पूरा। एंड हमारे को अब यहाँ से जाना है अंबानी के घर के लिए। चलो सामने जाके देखते हैं। वाह वो है देखो अंबानी का घर। एक मिनट ये बैठ जाने दो। ये है अंबानी का घर भाई साहब, कितना ऊपर है ना वो। मैंने बोल तो 30-35 फ्लोर है रे। अरे इसके घर के सामने अलग से टैंक है। अंबानी का घर देख लिए, अब जाएंगे जुहू बीच को। जुहू बीच है करीब 18 किलोमीटर और 18 किलोमीटर के लिए एक घंटा लग रहा भाई। टू व्हीलर होने के फायदे, जहाँ भी रास्ता मिल गया निकल जा सकते हैं। अब ये आ गया हमला वर्ली के पास और वर्ली का बीच देखो। अब जहाँ भी गलियों में जाऊँ यहाँ तो बस बीच बोल रहा हूँ सॉरी, ये समंदर का पानी आता ही रहेगा। एंड सामने ये है वर्ली का सीलिंग। बस को एंट्री है बसेस एंड कार्स और बाकी फोर व्हीलर्स, स्कूटीज को तो एंट्री नहीं है टू व्हीलर्स को। मास्क ना पहनने का नतीजा मतलब गलती से निकल गया था, थोड़ा भी नीचे निकल गया तो फाइन गिर जाएगा भाई। तो महाराष्ट्र को आगे तो ध्यान से, कभी भी आपका चलान कट सकता और आपका भी कट जा सकता। तो देख के मेरा तो अब कट गया, तो नेक्स्ट टाइम से तो मास्क इतना भी नहीं उतरना चाहिए, पूरा बंद ही रहना। तो पूरा बंद करके फिर वो बंद, बस दूर से देख के खुश रह रहे सब लोग, काम में तो जाने नहीं दे रहे। शायद जो भी इसमें बहुत रश रहता है इसलिए आने नहीं दे रहे।
दोस्तों रूम में आ गए। अब हम लोग आज स्टे कर रहे हैं मलाड गोरेगांव में। यहाँ पे रात गुजारना है, रात गुजार के कल सुबह फिर निकलना है भाई। बांद्रा से लेके मलाड तक जो ट्रैफिक लगा है भाई, हमारा तो दिमाग ख़राब हो गया। पूरा एक घंटे का टाइम वेस्ट हो गया वहीं पर ही। 10 किलोमीटर का रोड को भी बस एक घंटे का टाइम लगा। गया हूँ, सो जाता हूँ, फिर खाना खा के रूम में आके सो जाना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।